आज की इस एक वीडियो में मैं आपके साथ अपने गार्डन में और क्या चल रहा है मेरे गार्डन में सब की वीडियो है और काफ़ी सारे प्लांट्स की अपडेट दूंगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो लीजिएगा। और ये देखिए, इस प्लांट का नाम अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मुझे कहीं से कटिंग मिली थी तो मैं लगाया था, काफ़ी अच्छा ये अब ग्रो हो रहा है। तो ये देखिए, ये मैं काफ़ी सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स लगाया था जो कि कैलेंडुला का और कुछ थे। तो देखिए अब वो भी जर्मिनेशन स्टार्ट होने लगी अब। और इसी तरीके से अब अभी से आप अगर तैयारी कर लेंगे तो विंटर में काफ़ी अच्छे आपके प्लांट होंगे। और ये गुलदाउदी की कुछ कटिंग्स हैं जो कि मैं बाद में लगाया हूँ, काफ़ी सारे मैं प्लांटर में अपने शिफ्ट कर दिया हूँ तो ये भी काफ़ी अच्छी हो गई है। और इधर देखिए कुछ नई कटिंग्स अभी लगाया, ये जो कटिंग मैं इस टाइम अब लगा रहा हूँ सितंबर में, ये जनवरी फरवरी में जाते जाते फ्लावरिंग देंगी। और जो कटिंग जुलाई और अगस्त में लगाए थे वो तो नवंबर दिसंबर में फ्लावरिंग स्टार्ट कर देंगे। और ये देखिए, ये स्नैक प्लांट जिसकी लीफ से मैं प्रोपोगेट किया था, देखिए काफ़ी अच्छा हो गया है। तो इस पर भी जल्द वीडियो आएगी, आप देखिएगा ज़रूर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। और ये देखिए, जो उस दिन उस वीडियो में मैं अपना हिबिस्कस और काफ़ी सारे प्लांट्स को रिपोर्ट किया था, तो ये देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ इनकी हो रही है और खूब अच्छे से ये चल रहे हैं। और ये देखिए, ये गुलाब पूरी इसकी लीफ गिर गई थी, अब काफ़ी अच्छे से दोबारा से ये भी नए इसमें सूट्स आना स्टार्ट हो गई। देखिए एक फ्लावर भी अब आने वाला है, ये ऑरेंज वाला मेरा है, काफ़ी अच्छा हो रहा है। और ये एकलीफा, ये भी उस दिन मैं ट्रांसप्लांट किया था, आप लोग देखे ही थे वीडियो वाली, तो ये भी काफ़ी अच्छा हो गया। और ये देखिए, ये एक मैं राउंड शेप का डीआईवाई कुछ क्रिएटिव कर रहा था। ये देखिए, ये पर्सलिन है, इसे मैं काफ़ी अच्छे से गोल शेप में कर दिया हूँ, काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। और ये पीछे थूजा लगी है, वो भी काफ़ी अच्छी चल रही है। ये इस समय तो देसी वाला जो गुलाब है काफ़ी अच्छा एकदम ब्लूम हो रहा है पूरा, जिस किसी सबके पास होगा तो काफ़ी अच्छा इस समय ब्लूम कर रहा होगा। और ये डेफिन बेकिए देखिए, काफ़ी अच्छे से एकदम हो गया है। और नीचे से इसमें अब रूट भी आने लगी है, तो अगर इसे कटिंग से आप लगाना चाहें तो आसानी से लगा सकते हैं वहीं से काट कर। इसकी भी कटिंग की वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। और ये यूफोरबिया है, देखिए कितना बुशी प्लांट है मेरा। और इस पोर्शन में जो मैं ये युक्का लगाया था, देखिए ये भी जितने प्लांट को मैं उस दिन रिपोर्ट किया था सारे प्लांट्स एकदम हेल्दी हो गए हैं और काफ़ी अच्छे से अब चलने लगे। ये देखिए, ये मनी प्लांट है, काफ़ी अच्छा एकदम बड़ी साइज़ की इसकी लीफ हो गई है। और इसकी भी वीडियो मैं शेयर किया था आपके साथ परसों, मनी प्लांट की काफ़ी वीडियोज़ है मेरे चैनल पर, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और ये साइकस भी देखिए, काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। इसकी लीफ तो साल में दो ही बार निकलती हैं, एक सितंबर में जो कि अभी निकली नहीं है मेरे में, और मार्च में भी निकलती हैं, तो काफ़ी अच्छे से होती हैं। और ये जो मास्क वाला मैं प्लांटर ये बनाया था, इसकी भी वीडियो है, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसमें प्लांट मेरा चल रहा है। और ये देखिए, छोटा सा जंगल का लुक मैं दे रहा था इसको, जो कि अब धीरे धीरे पूरा शेप में आने लगा है। देखिए छोटा सा पॉन्ड बीच में बनाया था, ये माउंटेन, तो माउंटेन वाला जो गार्डन में बनाया था इसकी वीडियो है, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छे से हो गया, ये जो ये ग्रास लगाया था मैं मोस, ये भी अब थोड़ा बहुत ख़राब होने लगे हैं, इसको भी दोबारा लगाना पड़ेगा ला के। इसी तरीके से हैं सारे प्लांट्स।
और लास्ट में देखिए पूरे गार्डन का वीडियो। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरा छोटा सा गार्डन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।